बिल्कुल जी, पूरा पूरा युवा है हमारे साथ, हमारे साथ है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान जय जवान। मेरे में इनसे ज्यादा जोश है, पहाड़ के फेंक दूंगा बैरियर बैरियर इनके। अच्छा, सिर पर ठाठा बगा दूंगा, दिल्ली जाएंगे। हाँ, या तो बिल वापस कर लो, हम घर भेज दो, अपनी खेती करो। मुद्दा दबाने के लिए एक तांडव मूवी कोई ले आए, पता नहीं कौन बताते हैं कि भाई क्या नाम, कोई तांडव मूवी हिंदू के मुसलमानों को लेकर के, देवी देवताओं को लेकर के, पता नहीं क्या बात, कैसे, मैंने देखी नहीं है। लेकिन जो मेन मुद्दा है आज की तारीख में, पूरे देश का नंबर वन मुद्दा है, एक मुद्दा है किसान। किसान सुबह उठता है, सुबह उठने के बाद से शाम तक एक बैल की तरह कार्य करता है। रात में उसका भरोसा नहीं कि खेत में जाना, अगले को पानी चलाना है, सांप ने काट खाया, बिच्छू ने काट खाया, सुबह अगले दिन की सुबह देखेगा। ठंड में बेचारे मर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं दिखा रहा है, रोजगार नहीं। सब सब सिर्फ दूसरी चीजों को लेके मुद्दे छिड़े हुए हैं, कोई तांडव को लेके, कोई सीरीज को लेके, कोई किसी चीज को लेके, किसानों को सिर्फ किसानों के मुद्दा दबाया जा रहा है। कुल मिलाकर कोई इस पर कार्रवाई नहीं है। किसान बेचारे ठंड में मर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं देख रहा है। सबको आतंक, 26 जनवरी में किसान परेड होगी, किसी भी कीमत पर किसान परेड होगी, चाहे कुछ भी हो। रही बात सरकार की, सरकार की ये नहीं मानती कि वह तीनों काले कानून वापस ले ले, कोई दिक्कत नहीं हो, तो जब देश आजाद हुआ था, जब भी क्या नाम ट्रैक्टर से परेड हुई है। भाई बताएंगे आप, यहाँ किसान आंदोलन पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, एक जो बहस है, एक नई बहस छिड़ गई है, जो वेब सीरीज आई है तांडव, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिएगा, वो तो एक काल्पनिक चीज़ है, काल्पनिक मूवी है तांडव, तो जो इन्होंने बनाया है उससे बीजेपी की सब चाल है। उसमें आप एक चीज़ देख रहे हैं कि इतना बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर है, सिंधु बॉर्डर है, सब लोग दूर दूर से आए किसान हैं, यहाँ इतनी मेहनत से ठंड में लेट रहे हैं बेचारे, मेहनत कर रहे हैं, इनकी बात तो किसी की बीजेपी सरकार को दिख नहीं रही है। तांडव कोई बताते हैं कि कोई वेब सीरीज आई है, उसको लेकर विरोध कर रही है, क्या इन्हें किसान का दर्द नहीं चमकता? किसान इतनी मेहनत करता है, किसान रात में दिन रात मिलके काम करता है, रात में खेत में पानी चलाता है, ठंड होती है, किसानों का मुद्दा दबाने के लिए एक तांडव मूवी कोई ले आए, पता नहीं कौन बताते हैं कि भाई क्या नाम, कोई तांडव मूवी हिंदू के मुसलमानों को लेकर के, देवी देवताओं को लेकर के, पता नहीं क्या बात कह दिया, मैंने देखी नहीं है। लेकिन जो मेन मुद्दा है आज की तारीख में, पूरे देश का नंबर वन मुद्दा है, एक मुद्दा है किसान। किसान सुबह उठता है, सुबह उठने के बाद से शाम तक एक बैल की तरह कार्य करता है। रात में उसका भरोसा नहीं कि खेत में जाना, अगले को पानी चलाना है, सांप ने काट खाया, बिच्छू ने काट खाया, सुबह अगले दिन की सुबह देखेगा कि नहीं देखेगा। इस देश में देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को यह नहीं चमकता कि देश का किसान आज सीमा पे भी खड़ा है। किसान के बच्चे जितने भी सीमा पे जवान है, आज किसान के बच्चे हैं, एक भी बिजनेस फैमिली से नहीं है, कि देश की सीमा पे किसान के बच्चे हैं। आज देश अन्नदाता बेचारा भूखा मर रहा है, सड़क पर खड़ा है, रोज ठंड में दिन पर दिन डेली एक ना एक कोई ना कोई आदमी बेचारा हमारा किसान भाई शहीद डेली हो रहा है एक दिन। क्या देश की जनता हमारे साथ है, और मोदी जी को, गृह मंत्री जी को, इनको ये नहीं दिखता कि यहाँ पर जितना किसान है, किसान कैसे परेशान है, किसान अपना घर कैसे चलाए। एक किसान का, मैं किसान परिवार से आता हूँ, मेरे पास बहुत थोड़ी जमीन है, ज्यादा नहीं है, 20-25 बीघे जमीन है, 20-25 बीघे जमीन में मैं अपने परिवार का लालन पालन नहीं कर पा रहा, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस जमा नहीं हो पा रही, मुझे सुबह खड़ा होने के बाद शाम को ये दिखता है कि मैं शाम को निवाला कहाँ से लाऊंगा खाने का। अच्छा, 26 जनवरी की तैयारी अब जोरों पर है, और किसान जो है उसकी तैयारी में भी जुटे हुए हैं। हाँ जी, ट्रैक्टर रैली की जो, हाँ जी, लेकिन सरकार जो है वो बिल्कुल नहीं चाहती कि किसान जो है ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में घुसे। हाँ। अब ऐसे में आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या 26 जनवरी में युवाओं का जो है वो सपोर्ट मिलेगा? देखेगा 26 जनवरी को सभी युवा हैं, पूरे देश का युवा जुड़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि जो हमारा जितना भी युवा है सब धरने पर है, मजबूत तरीके से है, सब मजबूत तरीके से, सब लोग ट्रैक्टर जलाने जाते हैं। 26 जनवरी में किसान परेड होगी, किसी भी कीमत पर किसान परेड होगी, चाहे कुछ भी हो। रही बात सरकार की ये नहीं मानती कि तीनों काले कानून वापस ले ले, कोई दिक्कत नहीं हो, तो जब देश आजाद हुआ था, जब भी क्या नाम ट्रैक्टर से परेड हुई है, आज भी ट्रैक्टर से परेड होगी, इसमें दिक्कत क्या है सरकार? दिक्कत भाई, हम बिल्कुल अनुशासन से परेड करेंगे, कोई बदतमीजी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई बदतमीजी नहीं होगी, अनुशासन से परेड होगी। यहाँ से ट्रैक्टर चलेंगे, सब ट्रैक्टर चल के सीधे लाजपत नगर जाएंगे। आतंकवादी का क्या मतलब, यानी ये किसान है। आपने ये बात सच कही कि कल से कुछ जो टीवी चैनल्स हैं वो भी जो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो खालिस्तानी आतंकी हैं वो ये जरूर चाहते हैं कि परेड जो है ट्रैक्टर की हो। माननीय मोदी जी और सारी सरकार किसानों को आतंकवादी बता रही है, और ये बता रही है इनके पास काम नहीं है, इसीलिए यहाँ ये रोड पे पड़े हुए हैं। तो ये शब्द बहुत गलत है, और बहुत अनुशासन से सब कार्य चल रहा है यहाँ पर। जल्द ही सरकार को अपना डिसीजन लेना होगा, नहीं तो किसान दिल्ली में जाएंगे जरूर 26 जनवरी को। अच्छा, आप सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल जी, पूरा पूरा युवा है हमारे साथ, हमारे साथ है। किसान एकता।
किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आप क्या कहेंगे? हम तो जी पूरा युवा पूरे हर चीज से किसानों के साथ है, तन मन धन से किसानों के साथ है। मुद्दे कई अब गर्मा गए हैं क्योंकि किसानों का तो ये बिल आकर किसान सड़क पर आ गया, लेकिन युवा तो बहुत पहले से सड़क पर है, रोजगार नहीं है जी। हम तो वैसे हम साल पोस्ट ग्रेजुएट है, हमें साल हमें नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, साला भटकाने को कुछ भी योगी सरकार देती है। दो चार साल बाद एज भी निकल जाएगी भर्ती, आज तक SSC का रिजल्ट नहीं आता, जो आता वो भ्रष्ट होता है। क्या कहेंगे? कोई भी लोग मतलब कुछ भी ये सरकार ठीक नहीं कर रही है, लोगों को नहीं देख रही है। किसान जो भी ठंड में बेचारे मर रहे हैं उन्हें कोई नहीं दिखा रहा है, कहीं भी रोजगार नहीं। सब सिर्फ दूसरी चीजों को लेके मुद्दे छिड़े हुए हैं, कोई तांडव को लेके, कोई सीरीज को लेके, कोई किसी चीज को लेके, किसानों के मुद्दा दबाया जा रहा है। कुल मिलाकर कोई इस पे कार्रवाई नहीं है। किसान बेचारे ठंड में मर रहे हैं उन्हें कोई नहीं देख रहा है, सबको आतंकवादी बता दिया। जो लोग किसान अपने घर बार छोड़कर यहाँ पड़े हैं, ये सब हैं, बड़े बूढ़े हैं, जवान हैं, सब हैं, काम नहीं है। लोग बाग अपने खेत किसान अपना सब कुछ छोड़ कर यहाँ लेटे हुए हैं, इन पे कोई किसी का कोई ध्यान नहीं है, और चीजों को मुद्दा बना के और इन चीजों को सबको दबाया जा रहा है। ठीक है दाऊ जी, अब तो आप भी काफी जो है चेहरे पे मुस्कान नजर आ रही है क्योंकि युवाओं का साथ मिल रहा है। अब तक तो ये कह रहे थे कि बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं इनके साथ ये घर चले जाएं। एक मिले जाने का मेरे में इनसे ज्यादा जोश है, पहाड़ के फेंक दूंगा बैरियर इनके। अच्छा, सिर पर ठाठा पका दूंगा, दिल्ली जाएंगे। हाँ, या तो बिल वापस कर लो, हम घर भेज दो, अपनी खेती करो, तुम राज चलाओ। सारे देश को गुमराह कर क्या, सारे देश भटका दिया इन्होंने, जनता परेशान पड़ी, किसान यहाँ सड़ रहा। आतंकवादी बताऊँ, आतंकवादी का हम, और आतंकवादी तो ये होंगे जोन से। ऐसी लगता है क्योंकि 70 किसानों की जो है वो अब तक शहादत हो चुकी है, लेकिन सरकार जो है कोई भी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है भाई। सरकार को इसे बिल वापस लेना पड़ेगा। सारे भी मर जाएंगे, कुनबा का गलत भी हो जाएगा जब नहीं हटे भाई। 2024 तक मई तक हम यही रहेंगे, इससे सरकार को हटा कर बदल कर मोदी जी को घर भेज कर। देखियो सबसे बढ़िया बात चाचा ने बताई है हमारे, जब अन्ना हजारे ने धरना दिया था लोकपाल बिल के लिए, तब एक बात कही थी कि लोकपाल बिल लाओ, धरना चला बहुत लंबा। तब हमारे लालू जी हैं, लोकपाल तो नहीं आया लेकिन बीजेपी, हाँ मैं बता देता हूँ, लालू जी आए, लालू जी ने सबसे बढ़िया बात एक कही, बोला भाई अपनी सरकार बना लो, अपना लोकपाल बिल पास कर लो। तो मैं आज अपने भाइयों से सबसे ये कहता हूँ, वो सबसे बढ़िया मुद्दा रहा। तब केजरीवाल ने एक बात कही थी, बोला ठीक है जी हम चुनाव लड़ेंगे, अपनी सरकार लाएंगे, दिल्ली में सरकार बनाई और दिल्ली में काम करके दिखाया। इसलिए मैं कहता हूँ आज 2000 अब जो चुनाव आएगा हमारा, इसमें 2024 में चुनाव आएगा, सरकार को बदल के फेंक देंगे, हमारी सरकार होगी, हम लोग सरकार में बैठेंगे, चाहे मोदी हो चाहे कोई, कुछ नहीं हो तो सरकार 5 साल की होती है। अभी हम कुछ जनप्रतिनिधियों से मिले, उनसे हमने कहा कि भैया आप लोग जो है MLA हैं, MP हैं, लेकिन किसान आंदोलन में आप दिखाई नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा कि यार हम कैसे जाएं, ये नाराजगी जो है हमसे नहीं है, ये मोदी से, अडानी अंबानी से है। सब लोग ये BJP के हैं, ये जो सब की मिली भक्त है। मैं बताऊंगा। देखो चाहे एक मिनट आ जाओ कोई बात नहीं, बोल लो। देखिएगा चाहे MP हो, चाहे MLA हो, चाहे विधान वो ये भी मिनिस्टर कोई भी हो, मेरा कहने का तात्पर्य देखो, हम लोगों ने जनता ने चुन के भेजे हैं, उनका कर्तव्य होता है कि हम लोगों की बात सुने, संसद में रखे, विधानसभा में रखे, उन लोगों का कर्तव्य है। अगर वे इस काम को नहीं करते उनका जमीन मर गया, वे क्या है, वे मोदी जी के गुलाम है, अंतवक्त नहीं कह सकते, गुलाम है वे तो। नहीं, हमने तो पूछा, देखेगा मैं जाओगे कैसे, अब 2022 का चुनाव आएगा, अगले साल चुनाव है, हमने पूछा भाई जनता के बीच में आप कैसे जाओगे फिर जब उनके बीच में आप नहीं जा रहे आप। तो उन्होंने कहा हमसे नाराजगी नहीं है, मोदी से, अडानी और अंबानी, उनसे उनसे नाराजगी क्यों नहीं है, उनसे नाराजगी है, वे हमारे बीच आएंगे कैसे। आज हमारे चाचा, ताऊ, भाई, बहन सब लोग धरने पर बैठे हैं, बीजेपी का कोई भी आदमी कल को वोट लेने के लिए आया, मैंने अपने गांव में वोट लगा दिया, बीजेपी का कोई भी आदमी मेरे गांव में एंट्री नहीं करेगा। हमारे बीच हमने वोट लगा दिया, हमारे बीच वो लोग आएगा जो लोग हमारे धरने में खड़ा है, हमारे साथ खड़ा है। ये कह रहे हैं कि हमने वोट लगा दिया, हमारे बीच बीजेपी का आदमी वोट मांग लिया, आने का नहीं, नाम घुसण देने का, बिल्कुल नहीं घुसण देने कतई भी, ना भी ना वोट दे भाई। हम तो एक बात कहनी चाह, मोदी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करो भाई, हाथ क्यों जोड़ो भाई, सुनो भाई, तू भी इंसान हम भी इंसान हो, ऐसा जुलम ना करे किसान के साथ, अत्याचार ना करे, से बिल्कुल वापस ले ले, हम बर्बाद हो जाएंगे, लुट जाएंगे, ऐसा जुलम ना करे, ये हिटलर साहब बढ़िया नहीं होती। और आगे बता रहा मैं तुम्हें एक बात, लिख कर धर लियो मेरी बात, विशेष तौर से दिखाई इस बात को,
अच्छी अच्छी सरकार पलट गई, दुनिया के तख्ते पलट गए, पूरे देश की आवाज, जय जवान जय किसान जय जवान, या पूरे देश की आवाज बननी है। जितना धरना लंबा चलेगा पूरा देश खड़ा हो जाएगा, पूरा देश किसान मजदूर व्यापारी दुकानदार हर आदमी खड़ा हो जाएगा इस सरकार के खिलाफ। ये जितना बका रहे धोखा दे रहे पब्लिक को, इनकी झूठ की पोल खुल ली। नु कह रहे बुलेट ट्रेन लाओगे, अपनी तो दी बेच, कहाँ से लाओगे बुलेट ट्रेन? अच्छा ये मन की बात करो भाई, मन की बात। हजारों करोड़ रुपए खर्च हो लिए इसमें। जब प्रधानमंत्री जी बात करो तो एक सिस्टम व्यवस्था बनानी पड़ो पूरे देश की। भाई मारी तो मन की सुन लो, अपनी अपनी को हो जाओगे। नहीं, बीजेपी सरकार जब ये बीजेपी वाले चुनाव लड़ते हैं तो पूरी एनर्जी के साथ दिखाई देते हैं, चाहे बिहार हो अब बंगाल है, और अगर इनकी देश में कोई समस्या चल रही है तो उस पर इनकी कोई ना ये बेईमान से जीतता हूँ भाई, ईवीएम से जीतता हूँ। अच्छा, या इलेक्टेड सरकार हो, ईवीएम ने चुन रखी, पब्लिक चुनती तो सुनती पब्लिक की, इन्हें तो पता था बेईमान से ईवीएम से फिर आ जाओगे। अभी जो बात है बिलाल बहलाल चुनाव जीतने की हारने की, ये तो बहुत बड़े लेवल का मामला, ऐसी बात नहीं है। हम लोग बदलेंगे, शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे सब जगह सुनामी आएगी। कभी बीजेपी दो सीट पे हुआ करती थी, जब हमारे ये अडवाणी जी अध्यक्ष थे कभी के समय में बीजेपी दो सीट होती थी, दो एमपी होते थे। आज की डेट में कोई ऐसी बात नहीं, 300 प्लस है। कभी एक समय ऐसा भी आया था जब जनता दल से अलग हुई थी कांग्रेस सरकार, तब कांग्रेस ने सब लोग को नस्तनाबूद कर दिया था, सब खत्म कर दिया था। ये तो कांग्रेस तो इससे ज्यादा बहुत बड़े पदों पर थी। जब होता है कि अभी चुनाव जीतने की, चाचा ने बहुत बढ़िया बात कही कि चुनाव ये बीजेपी जीती है। अर्णब गोस्वामी एक पता नहीं क्या बताते हैं, टीवी एडिटर है क्या है, अर्णब गोस्वामी को कैसे दो दिन पहले पता चल गया कि बोला भाई बालाकोट में एयर स्ट्राइक होगा, यानी कि इनकी मिली भगत थी, हम लोगों को बांट दिया, हिंदू मुस्लिम में बांट दिया। अरे मुसलमान हमारा भाई है, आप भी हमारे भाई है, हिंदू भाई है, मुसलमान सब हमारे भाई है। क्यों भाई एक मिनट अभी, हाँ जी, जब तो आपने भी जोर शोर से कहा होगा कि भाई अब की बार तो बदला ले लिया ये, तब नहीं मैंने, मैं इस टाइप की, मैं देखो सर्जिकल स्ट्राइक, देखो हर आदमी की भावना होती है, अगर कोई व्यक्ति मेरे घर पर हमला करेगा तो अगर मैं ही आपके घर पर हमला कर दूं तो आप लोगों की सोचेगा कहीं ना कहीं इसका नुकसान होना चाहिए। हर आदमी में खुशी की लहर थी, लेकिन जब हमें पता चला कि अब पता चल रहा है कि ये तो साला सब प्री प्लान था, एक अर्णब गोस्वामी एक टीवी चलाने वाला, एक टीवी पे बोलने वाला, एक नाच चलने चलन वाला, वो बता रहा है कि बोला भाई ये तो बहुत बढ़िया काम कर दिया मोदी मीडिया, इतना बड़ा या नहीं कर इतना बड़ा मामला चल रहा है इसमें। अब देखो जब हमारे देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बात करेगा, बोला भाई मिल के भाई, इसका मतलब ये जो हमारा ये पुलवामा में अटैक हुआ था ये भी मोदी जी ने कराया था। बिल्कुल, ये तो कराया नहीं भाई, सरकार चुनाव जीतने के लिए। हम एक बात कहें भाई, जो प्रधानमंत्री जी हो, देश का राजा कोई भी हो, उसके लिए प्रजा पूरे देश की जनता एक समान है, उसके लिए कोई जाति मायने रखता, कोई जाति का भेदभाव। इनके पास हिंदू मुसलमान चीन पाकिस्तान, इसके अलावा कुछ नहीं, सारा धंधा प्राइवेट में दे दिया। जो युवा खड़े हैं 10,000 में नौकरी करेंगे तो प्राइवेट कंपनियों में, अब तो चाइना भी घुस गया अंदर, अब तो एक गांव बसा दिया। ये सब मोदी जी सर पूरे देश का पागल बना रहे हैं, सब बेच खाएंगे, हिटलर बन चुके हैं ये। और सरकार किसान से है, किसान सरकार से नहीं है। और 26 जनवरी को किसान घुसेंगे, चाहे मोदी जी आ जाए चाहे जो मर्जी आ जाए, युवा सब साथ हैं। तो ये बात तो बहुत साफ है कि सरकार किसान से है, किसान सरकार से नहीं है। जितने देश के नौजवान खड़े हैं सीमा पे, सब किसान के बेटे हैं। कोई बीजेपी, कोई बिजनेसमैन बीजेपी के एमएलए का बच्चा नहीं है कोई भी। जितने पुलिस की भर्ती में, ये सब किसान के बच्चे हैं। कोई किसी बिजनेसमैन बीजेपी के एमएलए का बच्चा नहीं है कोई, ये सब। तो ये सब तो अपने घर में बैठ के ऐश ले रहे हैं और दुनिया को यहाँ पे छोड़ने छोड़ दिया। वो इन्होंने विदेशी कंपनी ला रखी है, विदेशी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं भारत में ला रहे हैं। एक कंपनी में 6,000 पानी के कमर तोड़ देंगे। देखो हमें तो पता नहीं, हम तो अभी बच्चे हैं। खैर जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तब ईस्ट इंडिया कंपनी भी ये कहती थी कि ये देश के लिए लाभार्थ होगा, काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमें तो पता नहीं, हमारे चाचा ताऊ बकाए में आ गए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना होने के बाद देश गुलाम हो गया, पूरे देश पे कब्जा हो गया। ये तीनों कानून का मतलब ये है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये है। पहले क्या नाम गोरों ने कब्जा करा, अब काले गोरे कब्जा कर लेंगे। अच्छा अभी जो लोग, आप लास्ट सवाल है मेरा, हाँ जी, अभी जो लोग घरों में बैठे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जो
लड़ाई है किसानों की सरकार की है। अभी उन्हें अंदाजा नहीं है कि ये उनके ऊपर भी आने वाली है, क्योंकि महंगाई जो है वो इतना जोर पकड़ जाएगी कि पानी जो है सर से ऊपर चला जाएगा। क्या देखेगा इस महंगाई से, मैं तुम्हें बताऊंगा, हर एक व्यक्ति परेशान होगा, ऐसी बात नहीं है। देश का हर एक व्यक्ति पर असर पड़ेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर एक व्यक्ति पर असर पड़ेगा। आने वाले समय में जो लोग ये कह रहे हैं, जो लोग आज बीजेपी के साथ हैं, जो लोग बीजेपी के साथ हैं, उन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान। ये हम लोग तो भाई मेहनत कर रहे हैं, हमें तो किसान है, खेत में मेहनत करनी, सीमा पे मेहनत करनी, हर जगह मेहनत करनी, कोई बात नहीं, हम तो मेहनत करके भी निकालेंगे। लेकिन हम पहली तो बात यह है कि ऐसी नौबत आने नहीं देंगे, मर जाएंगे चाहे कुछ हो, बिल्कुल भी गुलामी वो नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे यहाँ से जब हटेंगे, जब हमारा काले कानून वापस होंगे। ठीक है। और मैं तुम्हें एक बात और बताऊं, सबसे बड़ी बात एक है, आज किसान की गेहूं की फसल, मेन मुद्दे की बात यह है, आज किसान की गेहूं की फसल भूखे तैयार हो चुकी है। और आज अगर किसान यहाँ सीमा पे पड़ा है और गेहूं में पानी की जरूरत है, खाद की जरूरत है, सबसे मेन चीज है ये, और उसी गेहूं का खाना मोदी जी खाते हैं। ऐसी बात नहीं कि मोदी जी कहीं और से आता है, मोदी जी भी हमारे खेत का गेहूं खाते हैं और ये पूरा देश हमारे खेत का गेहूं खाता है। अगर हमारे खेत में गेहूं पैदा नहीं होगा तो ये देश क्या खाएगा? कंकर पत्थर खाएगा या नहीं खाएगा? तो गेहूं ही, चाहे वो मेरे खेत का, आपके खेत का, किसी का खेत का, गेहूं खेत में उगेगा, मशीन में नहीं बनेगा। मोदी जी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर गेहूं इस बार पैदा नहीं हुआ या किसानों ने अपना गेहूं खान जो गन रख लिया, वो क्या कहते हैं, छोटू राम जी ने कहा था, बोला भाई, जब वो गाना भी बना है एक, उस पर बोला भाई 6 रुपये मण मंगा था रेट, फिर बात बदलते बदलते उन्होंने फिर कहा कि बोला 10 रुपये मण, 10 रुपये मण से फिर बोला 11 रुपये मण, 1 रुपया मेरी दांत घिसाई। अगर किसानों के खान लाख गेहूं हो गए और बाकी गेहूं, मैं आज भी अपने भाइयों से कह रहा हूँ, उस बात को, छोटू राम जी की बात को याद करो, याद करने के बाद अपने खाने खाने लाख गेहूं पैदा करो, बाकी गेहूं पैदा ही मत करो। मोदी जी को जब पता चलेगा कहां से गेहूं लाएंगे, आज सारे देश का खजाना लुटा दिया मोदी जी ने, कहां से, बाहर से खरीद के लाएंगे गेहूं? कब तक खरीद लेंगे गेहूं? तो अपने, अपना किसान पैदा करेगा, अपना भाई पैदा करेगा। एमएसपी पर कानून बना दो, ये तो कल कह रहे हैं पे कानून बनना चाहिए। नहीं, कब तक लाएंगे? प्याज को कहते हैं कि हम पाकिस्तान से, कब तक लाएंगे? कब तक लाएंगे? 125 करोड़ जनता, 130 करोड़ जनता होगी, हम तो कब तक लाएंगे? पाकिस्तान से प्याज लाएंगे, रोज पाकिस्तान पाकिस्तान करो जाओ। और सबसे मेन मुद्दे की बात है, देखो किसानों के अब चल रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने का पेमेंट है, गन्ने का ना तो पेमेंट हुआ, एक नियम आया था अभी 14 दिन में पेमेंट हो जाएगा, 14 दिन के बाद अगर पेमेंट नहीं होगा तो उस पर ब्याज मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अभी हमारे इस पे कहा है, देखो हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, उससे बढ़कर ऊपर कुछ नहीं है, हमारे लिए स्वीकार है, हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन इस सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी धराशाही कर दिया। 14 दिन में गन्ने का पेमेंट होना था, उसके बाद ब्याज मिलना था, इस सरकार ने ना तो हमारा ब्याज दिया ना हमारा पेमेंट दिया, और अब आधी फसल चली गई है, हमारी गन्ने की आधी फसल चली गई है, हमें गन्ने का ये नहीं पता कि कितना पेमेंट मिलेगा। चलिए ठीक है, हमारा कोई रेट तय नहीं हुआ, कोर्ट का आदेश का पालन करा इन्होंने, कोर्ट के आदेश का तो कोई पालन ही नहीं कर रही। अभी सुनो, सरकार भी तो ये बोल रही, सरकार ने कमेटी बनाई थी, आप लोग कमेटी पे नहीं गए, तो आपने एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का भी तो अवहेलना करी है। नहीं नहीं, देखो सरकार ने कमेटी बनाई है, सरकार कमेटी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था मध्यस्थता करने की, लेकिन हमें देखो सच्चाई, हमारी सीधी बात है, हमारे तीनों काले कानून वापस हो, कमेटी क्या कर रहा है, समाधान होना तो होता, तो समाधान तो इतनी 10 मीटिंगें हो चुकी।